हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेसिपी जो लाइफ में। आज हम इस वीडियो में जो मिक्स सब्ज़ी बनाएंगे उसमें हम बहुत सारी अनकन्वेंशनल सब्ज़ियों का यूज़ करेंगे और बेस्ट पार्ट ये है कि हम ये मिक्स सब्ज़ी बिना लहसुन प्याज के बनाएंगे। इसके लिए पहले तो लिए हैं हमने 2 मीडियम साइज़ के गांठ गोभी। गांठ गोभी के जितने भी सारे पत्ते हैं वो हमें यहाँ पर डिस्कार्ड कर देने हैं। वैसे तो वो पत्ते कुछ रेसिपीज़ में यूज़ होते हैं मगर यहाँ पर हम लोग डिस्कार्ड करेंगे। इसका ये टॉप वाला पोर्शन भी हम यहाँ पर डिस्कार्ड कर रहे हैं। आप चाहे तो इसे किसी और सब्ज़ी में भी डालकर यूज़ कर सकते हैं और इसे भी खाया जाता है मगर अलग तरीके से बनाकर। इसके बाद इसका जो ये लाइट ग्रीन कलर का छिलका है वो हम उठा लेंगे, छील लेंगे। इतना मोटा हमें उठाना है छिलका। हम पूरा बॉटम तक उठा लेंगे इस तरीके से। इसके बाद हम इसे क्यूब्स में काट लेंगे, जैसे हम पनीर के छोटे छोटे पीसेस काटते हैं ठीक उसी तरीके से हम इसके भी क्यूब्स बनाएंगे। दोनों गांठ गोभी का हम यही हाल करेंगे, मतलब इन्हें क्यूब्स बनाएंगे। और फिर आगे तो एक प्रेशर कुकर में हम यहाँ लेंगे 2 टेबलस्पून तेल। यहाँ हमने मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों के तेल का यूज़ किया है। इसे हम अच्छी तरह धुआं आने तक पहले गरम कर लेंगे और उसके बाद इसमें ये पनीर के छोटे छोटे क्यूब्स डाल देंगे फ्राई करने के लिए। ये 250 ग्राम पनीर हमने यहाँ पर ली है। पनीर को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे, बीच बीच में पलट लेंगे ऊपर नीचे ताकि ये दोनों तरफ से अच्छी तरह फ्राई हो जाए। और फिर हम इसे छान कर निकाल लेंगे एक बाउल में और डाल देंगे इसके ऊपर कम से कम 1 कप पानी ताकि पनीर पूरी तरह पानी में डूब जाए, जिससे पनीर हमारी सॉफ्ट रहेगी। आगे हम गैस को धीमी करते हुए गरम तेल में ही डाल देंगे 2 बड़ी काली इलायची। इसे बीच में से तोड़ देंगे डालने से पहले। 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 2 से 3 लौंग और 1 चुटकी हींग। इन सभी खड़े मसालों को धीमी आंच पर गरम तेल में हम लोग कुछ देर के लिए लगभग 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे। इसके बाद गांठ गोभी के जो कटे हुए क्यूब्स हैं वो इसके अंदर हम डाल देंगे। अब हम गैस को मीडियम टू हाई रख सकते हैं और इसे स्टर फ्राई कर लेंगे गांठ गोभी को, हम जब तक ये सुनहरे ना हो जाए। एकदम पूरा गोल्डन नहीं करना है, हल्का सा गोल्डन ब्राउनिश होना चाहिए। बीच में नमक भी डाल देंगे स्वाद अनुसार। और फिर जब हमारे ये गांठ गोभी के पीसेस आप देखेंगे हल्के से गोल्डन ब्राउनिश हो गए हैं, तब हम इसके अंदर इसी तरह कटे हुए आलू के ये क्यूब्स डाल देंगे। ये यहाँ पर 1 मीडियम साइज़ का आलू हमने यूज़ किया है। अब दोनों को मिलाकर हम लोग स्टर फ्राई कर लेंगे दोबारा मीडियम टू हाई हीट पर। आगे जब आप देखेंगे आलू नरम हो गए हैं फ्राई करते करते, तब हम इसमें 1 कप मटर डाल देंगे। अब मटर को तो ज़्यादा देर फ्राई करने की ज़रूरत नहीं होती, बस 2-3 मिनट तक ऐसे इसको स्टर फ्राई करते रहेंगे आलू और गांठ गोभी के साथ। उसके बाद इसके अंदर हम डाल देंगे 3 से 4 कप पानी। और जो हमने पनीर फ्राई करके रखी थी वो भी इसके अंदर डाल देंगे। पनीर का पानी जो था ना वो भी हम डाल देंगे, पनीर में तो हमने थोड़ा सा ही पानी डाला था। इसके बाद इसमें जाएंगे कुछ मसाले। मसालों में हम डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच डालेंगे हम सूखी अदरक का पाउडर यानी सौंठ पाउडर, 1 भरा हुआ चम्मच सौंफ पाउडर और 1/2 चम्मच डालेंगे जीरा पाउडर। हल्के हाथों से पानी को हिलाते हुए मसालों को मिक्स कर लेंगे और बस अब हम इसे प्रेशर कुक करेंगे। हम इसे प्रेशर कुक करेंगे 5 मिनट तक या फिर 5 सीटी आने तक। बस हमारी ये सब्ज़ी तैयार है। इसमें अब हम स्लिट करके 2 हरी मिर्ची डाल देंगे, ये ऑप्शनल है। थोड़ा सा इससे तीखा फ्लेवर भी आ जाएगा सब्ज़ी में। और गैस को अब हम बंद कर लेते हैं। उम्मीद है आपको ये मिक्स सब्ज़ी की रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे ज़रूर बनाएंगे। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ। बाय बाय।